गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। सामाजिक विज्ञान में हमने क्या लिया है? इतिहास लिया है, ठीक है। और अध्याय 10 है, अध्याय का नाम है उपनिवेशों का खात्मा और सिख युद्ध भाग एक। सन 1947 के पहले क्या होता था? शक्तिशाली राष्ट्र क्या करते थे या देश से अपने मतलब कमजोर देश पर अपना आधिपत्य जमा लेते थे और उसको अपना उपनिवेश बना लेते थे और उनके प्राकृतिक संसाधन हो गए, सैनिक हो गए, कारखाने हो गए, युद्ध की सामग्री, इन सब का उपयोग अपने लाभ के लिए करते थे। साथ ही बड़े शक्तिशाली देशों का छोटे देशों पर दबदबा रहता था और अपने अधिकार के लिए, अपने मतलब के लिए उन उपनिवेशी छोटे देशों का उपयोग करते थे, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है उपनिवेशों से आशय भी उपनिवेशीकरण। उपनिवेश का आशय होता है जब शक्तिशाली राष्ट्र या देश कमजोर देश पर अपना क्या जमा लेता है, आधिपत्य जमा लेता है या युद्ध में जीतकर उनके सैनिक बल, युद्ध सामग्री, कारखाने का उपयोग अपने हित में करता है, इसको उपनिवेशीकरण उपनिवेशीकरण कहते हैं। जैसे 1947 के पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक है। फिर हम आते हैं विउपनिवेशीकरण से आशय। जब उपनिवेश का क्या होता है? खात्मा होता है, अर्थात पूरी तरह क्या होता है? समाप्त हो जाता है। और छोटे देश भी जो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरते हैं, अपने सैनिक, अपने अधिकार, अपने कारखाने, अपने युद्ध की सामग्री अपने हित के लिए करते हैं, वह स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, किसी देश का दबदबा नहीं होता। पूरी तरह क्या होता है? शक्तिशाली राष्ट्र का अधिकार क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है और राष्ट्र क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? उपनिवेशीकरण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।